न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, दलितों शोषितों सहित सभी वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने में डॉक्टर अम्बेडकर की रही है महत्वपूर्ण भूमिका। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, देश के त्योहार की तरह मनाएं लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, 19 मई को अवश्य करें मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरखपीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से किया नवमी पूजन। नव दुर्गा रूपी 101 कन्याओं के धुले पैर, किया पूजन, कराया भोजन, दी दक्षिणा। पूर्व विधायक एवं अधिवक्ता स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव की स्मृति एवं संकल्प दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और आदर्श तथा विषम परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति अवधेश बाबू की थी विशेषता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया गोरखपुर मंडल के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। कहा, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सकुशल संपन्न कराएं लोकसभा का चुनाव। 15 अप्रैल को होने वाले बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई बैठक। सभी 102 परीक्षा केंद्रों पर महिला और पुरुष दोनों की होगी परीक्षा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मतदाता जागरूकता संबंधित मंडल स्तरीय बैठक। कहा, बनाए बेहतर माहौल जिससे हो सके अधिक से अधिक मतदान। मतदाता जागरूकता रैली को मंडलायुक्त डीएम आईजी और एसएसपी ने गुब्बारे उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रंगोली प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। मंडलायुक्त ने कहा, मतदान के दिन लोग घर से निकले बाहर करें मतदान। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन व श्री राम जन्म उत्सव में हुए शामिल। रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने आयोजित किया विशाल भंडारा। कहा, भक्तों पर बनी रहे माता रानी की कृपा। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सिख समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। कैंडल जलाकर किया शहीदों को नमन। और रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। राम नाम के जयघोष से गूंज उठा वातावरण।